हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज बनाएंगे दोस्तों कि लिथियन बैटरी को घर पे किस तरह का इसको चार्जर बना के आप इसको चार्ज कर सकते हैं, वो भी 30 मिनट में आपको फुल चार्ज करके इसको ये आप बना सकते हैं। ऐसा जो मॉड्यूल आपको दिखाएंगे बना के, इसमें अगर आपके पास में इस तरह का लिथियन बैटरी चार्जर नहीं है या आपके पास में इस तरह का चार्ज करने के लिए आपके पास मॉड्यूल नहीं है, तो देखिए जो बजट होता है आपको 150-200 रुपये के बीच में ये आपको मिल जाता है मॉड्यूल। पर देखिए इसको अगर आपके पास में मॉड्यूल नहीं है तो किस तरह से आप अपने घर पे भी किसी स्क्रैप से भी किसी पुराने सर्किट से कुछ कंपोनेंट निकाल के आप इसको फुल चार्ज कर सकते हैं, वो भी मात्र 30 मिनट के अंदर में। तो देखिए इस तरह का जो लिथियम बैटरी होता है वो आपको बहुत ही आसानी से इसको आपको चार्ज कर पाएंगे अपने होममेड चार्जर से। तो चलिए दोस्तों इस तरह का जो लिथियन बैटरी है इसको किस तरह से आप चार्ज कर पाएंगे, इसके लिए कौन कौन सा चीज़ हम आपको ज़रूरत लगेगा इसको बनाने में, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि इसके किस तरह से इसका वोल्टेज को पहले चेक करके दिखाएंगे। उससे पहले अगर हमारा वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगता है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको देखने को मिलते रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे इसको चेक करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह का चार्ज होगा और किस तरह से इसका वोल्टेज को पहले चेक कर लेते हैं। तो वोल्टेज को चेक करने के पहले देखिए इस तरह का जो मल्टीमीटर मैंने यूज़ कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने डीसी 20 के रेंज में सेट कर लिया हूँ, और इसको सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करेंगे तभी जाके आपको पता चल जाएगा कि क्या ये हमारा कितना वोल्टेज है। तो देखिए मैंने इस तरह का पिन लिया, पिन लेने के बाद में इसको ऐसा अंदर डाल दिए, उसके बाद में इसको हम चेक कर पाएंगे आसानी से। तो देखिए हमारा रीडिंग कितना दिखा रहा है, कभी 2.3 वोल्ट इतना कुछ दिखा रहा है, देख सकते हैं इसका। ये हमारा 3.7 वोल्ट का इसमें है, पर देख सकते हैं ये हमारा थोड़ा सा कम दिखा रहा है। ये हमारा बैटरी डिस्चार्ज है, थोड़ा सा चार्ज नहीं है इसमें। तो देखिए कभी इतना कम दिखाता है, देखिए। तो यही रीज़न है कि इसमें थोड़ा सा बैटरी डाउन है। तो इसको किस तरह से आप चार्ज कर पाएंगे और इसका चार्जर किस तरह से आप अपने घर पे भी बना पाएंगे और इसको चार्ज कर पाएंगे, तो देखिए सबसे पहले इस तरह का होता है चार्जर। तो इस तरह से हमने पुराना बैटरी लिया है, देख सकते हैं। अगर आपके पास में किसी भी तरह का पुराना बैटरी होगा जिसमें आपका देख सकते हैं इस तरह का जो टॉप होता है इसमें जो चार्जिंग का जो पॉइंट रहता है, तो इस प्लेट को आपको निकालना है बाहर। जैसे देख सकते हैं इस तरह का मोबाइल का बैटरी होता है उसको आपको निकालना है, जैसा मैंने देख सकते हैं इसमें का एक निकाल के इसमें रखा हूँ, देख सकते हैं यही चीज़ है सेम, आपको इस तरह से निकालना है। उसके बाद में देखिए इसका कवर को भी आपको निकाल लेना है, देखिए यहाँ पे इसका कवर रहता है, ये कवर को आपको निकाल लेना है ऐसा। ये कवर को इस तरह से करके आपको निकाल लेना है, देखिए ये कवर आपका निकल जाएगा, देख सकते हैं। इसमें जो हमारा बैटरी का प्लस माइनस देख सकते हैं यहाँ पे रहता है, यही चीज़ देखिए इसके अंदर में भी होता है जो कि इसके बैटरी को कनेक्शन किए रहते हैं, देख सकते हैं इसमें प्लस माइनस जो इसमें कनेक्शन होता है यही चीज़। इसको करेंगे तो क्या होगा, आपका बैटरी आपको सुरक्षित रहेगा, प्रोटेक्शन भी करेगा, और आपका ये ओवर चार्ज होने से भी बचाएगा, और ये आपको चार्ज भी हो जाएगा आसानी से। तो देखिए यही चीज़ को आपको लगाना है इसमें, तो ये अपने आप ये काम करना शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो सबसे पहले देखिए इसमें समझ लेते हैं कि थोड़ा सा ये हमारा प्लस माइनस है और इसके आउट में भी प्लस माइनस है। तो इसमें हमारा 5 वोल्ट डीसी इसमें इनपुट देंगे और इसमें 3.7 वोल्ट का ये हमें या 4 वोल्ट के समथिंग ये हमारा आउटपुट करेगा, तो क्या होगा इसमें हमारा ये चार्ज हो जाएगा आसानी से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें एक मोबाइल का चार्जर लेना पड़ेगा, जो कि देख सकते हैं मैंने इस तरह का चार्जर लेके रखा हूँ जो 2 एम्पियर के समथिंग होना चाहिए,
5 वोल्ट देख सकते हैं। ये मैंने पुराना चार्जर है, पर पुराना हो या न्यू हो जितना वोल्ट देना चाहिए उतना ही वोल्ट मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले इसको लगा के मैं चेक कराता हूँ कि क्या ये हमारा कितना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने मीटर को रखा 20 के रेंज में और यहाँ पे मैंने चेक कर रहा हूँ। तो देखिए हमारा मीटर पे देखिए 5.8 वोल्ट इसमें रीडिंग आ रहा है, देख सकते हैं इसमें वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है। तो इसी चीज़ को हमें इसमें कनेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए इस मॉड्यूल में कहाँ पे है, तो देख सकते हैं इसमें इस तरह पॉइंट था, तो देखिए इस साइड में हमारा प्लस है, इस साइड में हमारा माइनस है। तो यहाँ पे हमारा प्लस होगा, यहाँ पे हमारा माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे हम प्लस को प्लस में सोल्डिंग कर देंगे। इसी तरह पकड़ के तो देखिए इसको प्लस में और माइनस को माइनस में। तो देखिए इसमें सोल्डिंग हो गया है, प्लस को प्लस माइनस को माइनस। देखिए इसको थोड़ा सफाई कर लेना है कि ये आपस में एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। देखिए मैंने इस तरह से इसको पूरी तरीक़ा से इसको शॉर्ट वोट होगा तो इसको पूरा तरीके से इसको साफ कर देना चाहिए इसको इस तरह से। देखिए देखिए इतना हो गया। उसके बाद में देखते हैं कि इसमें वोल्टेज हम चेक करके देखते हैं कि कितना आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल रहा है। देखिए इसमें मीटर में अभी चेक करेंगे, मीटर में चेक करने के बाद में हमें पता चलेगा कि इसमें कितना वोल्टेज आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए मैंने इसको प्लस में लगा रहा हूँ, तो देखिए इसमें 4 वोल्ट इतना इसमें वोल्टेज मिल रहा है। देख सकते हैं इस तरह से इसमें वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहा है। उसके बाद में इसका कनेक्शन को बाहर करने के बाद में इसको देखते हैं कि इसका कनेक्शन को देखिए इसके अंदर में हमें अब किस तरह का कनेक्शन करना चाहिए। तो देखिए अब इसमें क्या है, इस तरह का कनेक्शन है। तो देखिए इस तरह का पिन भी यूज कर सकते हैं, अगर पिन देखिए इस तरह का है तो मैंने इसको सॉकेट में डालने के लिए डायरेक्ट बनाया हुआ हूँ। तो इस तरह का देखिए इसमें आपको डायरेक्ट इसमें कनेक्शन कर देना है। देखिए इस तरह से अंदर डाल देना है। तो देखिए इस तरह रखने के बाद में इसको फिर से देखिए इस तरह पलट देता हूँ मैं। तो देखिए इसमें ऐसा करने के बाद में फिर से मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ। तो देखिए मैंने चार्ज को इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ। आपको वोल्टेज इसमें दिखाता हूँ कि कितना इसमें वोल्टेज आउटपुट कर रहा है। तो देखिए इसमें मीटर पर देखिए 3 वोल्ट इसमें आउटपुट मिल रहा है। तो देखिए इसको कुछ टाइम रख देते हैं, 5 मिनट। 5 मिनट के बाद में देखते हैं कि क्या ये हमारा बैटरी चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों हमने करीबन इसको 5 मिनट तक इसको चार्ज करके रखा था। अब इसके बाद में देखिए इसको निकाल देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या ये हमारा चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इसको चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से।
कि ये हमारा कितने चार्ज हो चुका है, जो कि पहले कितना था 2.993 के करीब इसमें वोल्ट शो कर रहा था। तो चलिए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, तो देख सकते हैं अभी ये 3.34 ये करीब इसमें दिखा रहा है वोल्टेज। तो ये अब चार्ज हो चुका है, जो कि इतने 5 मिनट के समय में ये हो चुका है चार्ज। और देखिए इस तरह का जो मॉड्यूल होता है ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप अपने घर पे भी देखिए, पुराना किसी मोबाइल का जो बैटरी होता है उसमें से आप इसको निकाल लीजिएगा, ये हर कोई देखिए सेम वोल्टेज का होता है। जैसे देख सकते हैं इसमें आपका 3.7 वोल्ट के करीब इसमें ये आउटपुट करता है। देख सकते हैं यही वोल्ट इसमें भी लिखा होता है, देख सकते हैं इसमें भी 3.7 वोल्ट इसमें देख सकते हैं इस बैटरी में। तो यही मॉड्यूल आप लगा लीजिएगा तो ये आपका बैटरी भी चार्ज हो जाएगा। हमारा आपको चार्ज करके भी दिखाए जितना वोल्टेज इसमें होता है इतना आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, आपको ऑटो कट भी हो जाएगा जो फुल चार्ज होगा, तो ये आपको बहुत ही आसानी से ये काम करता है। और देखिए इस तरह का देखिए और भी मॉड्यूल आप बना सकते हैं अपने घर पर, जो डायोड की मदद से भी बना सकते हैं, या फिर किसी भी अगर नहीं है तो इस समस्या से देखिए आप पार पा सकते हैं इस बैटरी का, जो देख सकते हैं ये मॉड्यूल के द्वारा। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा दोस्तों, और इसको एक बार दो बार वीडियो को देख लें अच्छी तरीक़ा से, उसके बाद में प्रयोग करें, उसके बाद में देखिए इसका यूज करना। तो आप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह का चैनल में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह का कंटेंट आपको देखने को मिलते रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।